Hi cutie pies, welcome to my class. आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर क्लास 7, जिसमें हम करेंगे वर्कशीट 4. इससे पहले मैंने वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 करा लिए. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसे भी वॉच कर लें. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से. इसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 4 में डिविज़न. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिवाइड. तो नंबर है हमारा फर्स्ट में 554.9/10, मतलब कि 54 को 0.9 को हमें 10 से डिवाइड करना है. बहुत ही सिंपल है. देखिए, अब मैं आपको इसको बहुत सिंपल सा रूल है कि आप ऐसे कर लिखेंगे. सबसे पहले 54.9 बाय, डिवाइड है तो डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10. ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 54.9/10. देखिए, आपको याद होगा जब मैंने डेसिमल कराया है तो मल्टीप्लिकेशन में या फिर जैसे भी अगर हम एक पॉइंट हटाते हैं तो उतना ज़ीरो यहाँ बढ़ जाता है, और अगर एक पॉइंट हम कट करेंगे तो ज़ीरो उतना ही एक स्टेप आगे आ जाए, मतलब ज़ीरो हटाएंगे तो पॉइंट आगे बढ़ाएंगे. दैट मीन्स, तो अब मैं पेंसिल से आपको करके दिखाता हूँ, ताकि देखिए जैसे ज़ीरो यहाँ से कट करो तो ये पॉइंट हट के एक ज़ीरो की वजह से एक पॉइंट आगे आ जाएगा. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5.49. ठीक है, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 7.8/100. तो हम लिखेंगे 7.8/100. आप ऐसे भी इक्वल टू करके लिख सकते हैं या अपॉन में भी लिख सकते हैं. ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है. ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. 1 और 2, तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 और 2, देखिए यहाँ पे पॉइंट था तो 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा. ठीक है, तो 0.078 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, जो पॉइंट लगा है उसके बाद ही काउंट करना है. देखिए नेक्स्ट है 32.76. तो हम लिखेंगे 32.476/1000. ओके, अब देखिए अगर आपको देखिए पॉइंट के बाद नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है, 1, 2, 3 आफ्टर डेसिमल गिनिंग 1, 2, 3, यानी कि 0.3 के बाद. तो अब आप समझ जाएंगे ऐसे कि मैंने लिखा 0.3, बाकी नंबर 3, 2, 4, 7, 6, और यहाँ पे ज़ीरो लगाना नहीं है क्योंकि डेसिमल यहाँ है. तो आप ऐसे भी लिख के ऐसे आंसर कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपको अगर लिखना था 1, 2, इसके बाद क्या 7 के बाद आप एक ज़ीरो बढ़ा के पॉइंट लगा देते तभी आंसर आ जाता. ठीक है, तो आप दोनों वे में कर सकते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है. देखिए यहाँ 12.8/4 है, तो हम लिखेंगे 12.8/4. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल वे में लिख देंगे 12.8/4. जो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप नॉर्मल वे में भी कट कर सकते हैं. बहुत सिंपल है. देखिए हमें डिवाइड करना है 4 को 1200 को 4 से. देखिए आप डेसिमल भूल जाए पहले तो आप नॉर्मल 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो 3 12 हो गया. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, माइनस हो गया. अब ये पॉइंट आएगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा इस तरह से, फिर आएगा उसके बाद 8. ओके, फिर 4 2 8, तो क्या हुआ, वो भी कैंसिल हो गया, तो 3.2 आया. तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.2. इस तरह से आप डेसिमल लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, क्लियर. अभी देखिए ये होल नंबर से आपको ऐसे डिवाइड करना है. अब आता है डेसिमल टू डेसिमल से, तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है. देखिए 4.32/1.2, तो 4.32 लिखेंगे अपॉन 1.2. एक देखिए दोनों में डेसिमल से, अगर हम ये डेसिमल यहाँ हटा के यहाँ कर दें और इसको भी हटा के हैं तो सेम हो गया, तो 43.2 हो गया अपॉन 12 हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो हट गया. ठीक है, तो अब 12 को डिवाइड करेंगे, 43.2 को डिवाइड करेंगे. सिंपल है, देख लेते हैं करके. यहाँ 12 है, यहाँ 43.2. देखिए 12 का टिपल पड़ेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, 4 48 होगा तो कटेगा नहीं, तो कैरी करेंगे हो जाएगा 13 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 7. ओके, अब आया पॉइंट, तो पॉइंट आएगा यहाँ. ठीक है, यहाँ ना, ओके, यहाँ है, फिर उसके बाद आएगा नंबर 2. ठीक है, तो
ट्वेल्व सिक्स ज़ा 72 होता है, तो 72 हो गया, कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा 3.6। इस तरह से इसको करेंगे, देखिए बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, डिवाइड 8.64 बाय 10, 101,000। बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे 8.64 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 8.64 डिवाइडेड बाय 100, ओके, और 8.64 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए 10, 100, 1000 और कोई भी अदर और भी जीरोज हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा था एक ज़ीरो एक स्टेप आ गए, तो आप लिखेंगे 0.864। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 2, 0, तो 1 देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 और 2, दैट मीन 0864 यहाँ पे लगाएंगे एक ज़ीरो। ठीक है, तो जितने ज़ीरोस उतने आगे 1, 2, 3, 1 है 8, ठीक है 2 है, फिर 3 है, फिर डेसिमल है, ठीक है, और 64 लिखना मत भूलें नंबर्स, तो आएगा 0.00864। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया इस सम से कि इसको कैसे करना है, 10 होगा 100 होगा, तो आप वन स्टेप वन लाइन में काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, आप और में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्यूएट, इवेल्यूएट करना है वही जो आपको दिए उसको निकालना है, तो 9.75 डिवाइडेड बाई 5, तो हम ऐसे लिख लेंगे, डिवाइड करना है 9.75, सिंपल है। तो आपने 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 5, 5 2 10, लेकिन 5 1 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, अब यहाँ डेसिमल आएगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा 7। ठीक है, तो 5 9 45, यहाँ आ जाएगा 45। ठीक है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ऊपर क्या बचा अब एक 5, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 5 5 25, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा है 1.95। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 19.25 डिवाइडेड बाय 25, 19.25। ठीक है, आप 25 का टेबल आपको पता है, अगर नहीं पता आप साइट में लिख सकते हैं कि क्या है, तो पहले 25 है, जैसे कि जिनको नहीं पता यहाँ मैं साइट में 25, 50, 75, 100, 125, ये अप टू 5 तक के हो गया, तो अभी हम 150, 175, ये 6 और ये 7। ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, ओके, तो टू टर्म्स तक के नहीं जा रहे हैं, 1 है 9 में, 25 बड़ा है, तो 3 लेंगे तो उससे पहले डेसिमल आ जाएगा, तो डेसिमल हम पहले यहाँ रख देंगे, निकाल के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, क्योंकि डिजिट के लिए कोई डिजिट हमने ली ही नहीं है, तो पॉइंट डेसिमल आ गया तो 0 पहले लगा लेंगे ताकि डेसिमल पता चले। अब हमने 192 ले लिया, ठीक है, तो अब 192 कहाँ तक के आएगा, देखिए उसके बाद क्या आता है, 7 25 7 175। ठीक है, उसके आगे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें 200 हो जाएगा 8 के टाइम्स, देखिए 200 हो जाएगा, तो 200 192 से ज़्यादा होगा तो 7 टाइम्स से ले लेंगे, ओके, तो आ जाएगा 175, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कैरी करेगा, तो कैसे कैरी होगा, ये इससे कैरी करेगा, ये बन जाएगा 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7, ओके, अब ये 8 हो गया, 8 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 1, यहाँ आ गया 5, ठीक है 175, तो फिर 7 ज़ा 175 हो गया, तो हम लिखेंगे 175, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 0.77, ये इसका हमारा 25 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 16 वाला, तो 20.64 डिवाइडेड बाय 16, इसको भी ऐसे लिखेंगे 16, 20.64
डिवाइडेड बाय 16, तो 16 वन ज़ा 16 लिखेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर देखिए डेसिमल यहाँ है, डेसिमल यहाँ आता तो ये डेसिमल यहाँ लगेगा, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, ठीक है। तो 16 टू ज़ा 32 होता है, तो 16 टू ज़ा 32 हो जाएगा, 3 बार 49 हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे माइनस करेंगे। तो 6 में से 2 जाएंगे बचेंगे 4, और 4 में से 1 जाएगा बचेगा, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। ओके, अब क्या हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो 16 9 ज़ा 144, टेबल अगर नहीं आता है तो प्लीज़ लर्न कर लें, तो 16 9 ज़ा 144 होता है, ठीक है। तो 144 लिखा, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, सिंपल है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इक्वल टू 1.29, ठीक है, सिंपल है, हो गया। इसी तरह से आपको करना है डिवाइड, ओके। अब देखिए इसी तरह आपके वर्ड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स वे 31.50 kg, फाइंड द वे ऑफ ईच आर्टिकल। जो 15 एक जैसे आर्टिकल्स हैं उनका जो वेट है वो है 31.50 kg, फाइंड द वेट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का हमें वेट बताना है। देखिए जब 15 का दिया ज़्यादा का दे रखा और एक का पूछे तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 15 आर्टिकल वेट इज इक्वल टू कितना है, 31.50 kg। तो वन आर्टिकल का क्या हो जाएगा, वन आर्टिकल वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31.50 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, ठीक। अब हम डिवाइड करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 31.50, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ये है 30, माइनस करा ये आ गया 1, ठीक है। अब डेसिमल यहाँ आता ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा नीचे नंबर 5, ठीक है, 15 1 ज़ा 15, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 0 लिखे चाहे नल का कोई, देखिए डेसिमल के बाद 0 मैं लगा भी सकती हूँ, बढ़ा भी सकती हूँ, मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 2.1 kg, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आर्टिकल वेट इज 2.1 kg होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद चाहे आप इतने 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।